हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं ना अपने मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है मैं उसे ओपन कर रहा था तो यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये लिखे हुआ आ रही है इसमें, कैमरा हैज़ बिन डिनीड एक्सेस टू कैमरा। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। अगर दोस्तों आपके साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है ना इसे मैं टैप करता ना तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये बार बार इसी तरीके से पेज आ जा रहा है और मेरा फोन का जो कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है। इसको ओपन करने के लिए आपको देखिए करना क्या है कि आपको जो है ना सबसे पहले तो इसे जो है कट कर देना है। ठीक है, कट कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जो है ना मोबाइल फ़ोन के कैमरे को उंगली से दबा के रखना है तो एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे टैप करना है। ठीक है, तो आपका है ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका सामने जो पेज सामने दिखाई दे रहा था ना, कैमरा हैज़ बीन नॉट डिनीड ऐसे कुछ लिखा हुआ था, उसके सामने सेटिंग का ऑप्शन भी था। आप सेटिंग पर भी टैप करेंगे ना तो यहाँ पर आपका यही वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए ये पेज ओपन करने के। इसमें आपको है ना ये ऑप्शन मिलता है ये परमिशन का, परमिशन पर टैप करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना आपका ये जो नीचे की साइड जो नॉट अलाउड की कैटेगरी में आपके जितने भी ऑप्शंस होंगे उन्हें उन सबको आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से अलाउ कर देना है। ठीक है, अलाउ कर देना है, सारे के सारे ऑप्शंस अलाउ कर देना है। अगर नॉट अलाउड की कैटेगरी में जितने भी ऑप्शन होंगे उन सभी को अलाउ कर देना है। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद जो है ना आपको अपने मोबाइल फोन का कैमरा ओपन करके देखना है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम इसे कैमरे पर टैप करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन का कैमरा देखिए ओपन हो चुका है डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ईजिली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको जो है ना दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आपको दिखाई थी वहाँ पर जो है नीचे की साइड सबसे नीचे कैंसिल और सेटिंग का बटन था, तो आप डायरेक्ट सेटिंग का बटन भी आप टैप कर सकते थे। ठीक है ना, टैप कर देंगे तो आप उसी ऐप इन्फो यानी कि परमिशन के पेज में डायरेक्ट आप चले जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में अगर आपका कैमरा ओपन नहीं होता है, कैमरे की प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरीके से जो है ना अपने कैमरे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। देखिए, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व फिर भी नहीं होती तो आपको जो ना उसी पेज में फिर से वापस जाना है। यहां पर देखिए ऐप इन्फो लिखा, कैमरे को आप दबा के रखेंगे एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ऐप इन्फो या सर्कल में आई बटन होता है इसे टैप करना है तो आपका यही वाला पेज आ जाएगा कैमरे का, ऐप इन्फो का पेज। ठीक है, इसमें आपको जो स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन है इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, तो पहले आपको इसे क्लियर कैच पे टैप करना है तो नीचे की साइड ही कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है तो डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप कर देना है। तो इसके बाद आपको जो है ना फिर इसे परमिशन पे टैप करना है, इसके अंदर आपको जितने भी ऑप्शन आपकी नॉट अलाउड की कैटेगरी में होंगे उन सभी को आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा से ये प्रोसेस आपको कैमरे को रीसेट करने के बाद आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अगर आपका डायरेक्ट कैमरे की परमिशन ओपन करने के बाद अगर चालू नहीं होता है तो आपको इस तरीके से पहले जो है कैमरे को रीसेट कर देना जो मैंने आपको दिखाया था, फिर इसके बाद आपको ये परमिशन अलाउ कर देने तो आपका जो कैमरा है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने दो तरीके बता दिए आपको कैमरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। यहां पर देखिए हम कैमरा ओपन करते हैं तो कैमरा ओपन हो चुका है। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं।